भाईचारा ट्रक वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आज उनका वार्षिक सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हरियाणा प्रदेश के संयुक्त ट्रांसपोर्ट मोर्चा के तमाम जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हनुमान जी का भंडारा व रागणी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ प्रसिद्ध लिल्लू पहलवान जी हैं जिनका यहाँ पर सम्मान किया गया है। ट्रक ऑपरेटर्सों द्वारा यह जो कार्यक्रम किया जा रहा है एक बेहतर कार्यक्रम है, आपस में मजबूती के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए संजय भाई, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, क्योंकि आपने आकर इस जो कवरेज की इसकी और इस जो भाईचारे का जो एक संदेश दिया है, इसके लिए मैं सबसे पहले आप और आपकी टीम का स्वागत करता हूँ। और जो ये भाईचारा ट्रक यूनियन वेलफेयर एसोसिएशन ने जो कार्यक्रम सालाना हनुमान जी का के नाम से जो भंडारा किया, रागनी किया और इस कार्यक्रम को हर साल उत्सव के तौर पर ये मना रहे हैं, मैं इसके लिए पूरी ट्रक यूनियन और भाई मंगल गुड़िया का ज़ोरदार तहे दिल से स्वागत भी करता हूँ और सत्कार करता हूँ। क्योंकि ऐसे कार्यक्रम, इतने भव्य कार्यक्रम यूं ही नहीं हो जाते, क्योंकि इस कार्यक्रम में आप सबका, जितने भी साथी, जितने भी हमाती, जितने भी नेता, जितने भी सामाजिक संगठन और जितने हरियाणा, पूरे हरियाणा प्रदेश से जितनी ट्रक यूनियन, जितनी एसोसिएशन आई है, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि ये जितना एक 6-7 साल से ये यूनिट बनाई है इन्होंने, यूनियन बनाई है, और क्योंकि मैं थोड़ा इससे जुड़ा भी हूँ, मार्केट कमेटी के चेयरमैन के नाते ये थोड़ा हमारा इनका तालमेल भी रहा है। क्योंकि जितने भी साथियों ने, इस आड़तियों ने, और सब्जी मंडी की बात हो, अनाज मंडी की बात हो, कोई भी दिक्कत आज तक इस यूनियन ने, इस आड़तियों को, इस किसी भी भाई को अगर गाड़ियों की ज़रूरत पड़ी, ट्रकों की ज़रूरत पड़ी, तो इन्होंने एक सहर्ष और आसानी से इनको उपलब्ध करवाए हैं। इनके लिए मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और पुनः आप लोग आए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत सत्कार अभिनंदन, जय हिंद, जय भारत।